हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये देखें जी, ये इनका घर है। ये जे बरकत भाई हैं। ये देखें जी, इतनी सी मच्छी खाते हैं, इतनी सी। देख मुर्गे, बकरियां। ये देखें जी, मुर्गी हैं। यहाँ से आपको घर नज़र आ रहा होगा। ये भैंसें, माशाल्लाह कितने प्यारे घर हैं। और ये खुले फ़ज़ा वाले घर हैं। ये बेरी है, बेर लगे हुए हैं। हाँ, अभी नहीं है, पहले ये लगे। ये लगा हुआ है बेर, ये उधर है। कहाँ पे है? ये देखें जी, ये यहाँ पे है। इधर कहाँ पे है? वाह यार, ये मुर्गियों के वो भी बने हुए हैं। कहाँ पे लगे हुए हैं? हाँ ये देखो, ये बेर लगे हुए हैं। हाँ ये देखिए, नज़र आ रहे हैं ना। देखें गाइस, ये बेर लगे हुए हैं, बेरी है। और ये मुर्गियों के हैं, मुर्गी हैं अंदर। हाँ ये मुर्गियों के घर बने हुए हैं। और यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो तेरी की। ये देखें, अजाने दे रहे हैं मुर्गे। कहाँ है? हाँ ये देखें, अजाने दे रहे हैं भाई। इसको मैं निकालना ना ऐसे हो। इनकी अजानों की आवाज़ आएगी। अजान दो। हाँ ये मुर्गी है हाजरा। हाँ ये मुर्गा है। अच्छा ये मुर्गा है, वो मुर्गी है। अच्छा दो मुर्गी है, एक मुर्गा है। अच्छा ब्लैक काली वाली है मुर्गी है। यार यहाँ से तो सड़क भी, हेलो, इतना ऊँचे। हाँ ये देखो नजर आता है। मैं हैरान यार, मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ, तुम्हारे से बातें करती हूँ ना। ओह माय गॉड हाजरा, ये काफी ऊंचा है यार। सड़क सारी नजर आ रही है। यहीं पे खड़े होके देखें तो है ना। मैं यहाँ से तो यार, ये बहुत ऊंचा है यार। तुम लोगों को पर्दा नहीं पड़ता यहाँ से? नहीं पड़ता, हम कम आते हैं यहाँ है? कम आते तो तुम लोग ने इतना ऊंचा किया हुआ है ये। यार ये दे तुम्हारी, ये दीवारें बड़ी ऊंची है। इधर आओ, उसकी बनाते हैं, वो जो लगाती हो। देखिए गाइस, ये देखिए, ये भैंसों के वो हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? गोबर। यार ये घर कितना तुम्हारा ऊंचा है यहाँ से। हाँ। इसलिए तुम मुझे देखती हो यहाँ से। हाँ, मैं तो यहाँ से देखती हूँ मैडम जी। अच्छा ये किस में इस्तेमाल होते हैं ये भी बताते जाओ। आग में, आग में, आग में इस्तेमाल होते हैं। और किस में इस्तेमाल होते हैं? रोटी बनाते हैं। हाँ, रोटी बनाते हैं, इससे आग जलाते हैं, काम करते हैं। यार यहाँ से तो बहुत एंट्री हो रहा है सब कुछ। उनका घर भी एंट्री हो रहा है सारा, देख लो है ना। पक्का वाकई दर्जी का भी आता है? हाँ, सब का आता है। बहुत ऊंचा है। अच्छा ऊंचा बहुत। कहाँ से? हाँ यहाँ से ज्यादा नजर आता है ना। हाँ। यहाँ से इस साइड से। अच्छा ये जी तंदूर में डालते हैं। हाँ। आग में डालते हैं, फिर रोटी बनाते हैं। हाँ। देखें गाइस जी, ये है गांव वालों का हाल, और शहरों में भी ये हो रहा है। लेकिन हाँ जी, घर जी ये जिम्मेदारों का है। और यहाँ आपको सारी सिस्टम नजर आएंगे, भैंसें भी, बकरियां भी और मुर्गियां भी है जी। ये जिम्मेदारों का घर और शहर में है। और ये देखें, ये घर भी बने हुए हैं, ये सारे इनके रिश्तेदार हैं। और ये हाजरा, ये क्या है, इसमें क्या है हाजरा? बतखे हैं। आओ जरा दिखाओ। बतखे बैठी हैं। काटती हैं? नहीं। अच्छा ये गेट है, ये देखें जी, यहाँ से ज्यादा तो ऊंचा है ना। कहाँ है? इधर वो बैठी है, अंडे पे बैठी है वहाँ। उसको फिर तो पीछे आ जाएंगी भाई। नहीं आती, उधर से, उधर से, वो तू बढ़वा रहे, उधर से बढ़वा रहे, इधर से चली जा। यही कहाँ कहाँ गुस्से हूँ मैं। ये बैठी है दोनों। कहाँ बैठी हैं? ये देखें गाइस, यहाँ से आपको ये देख, वाह कैसे बैठी हुई है ना दोनों। अंडे के ऊपर बैठी। अच्छा अंडों के ऊपर बैठी हुई है दोनों। बच्चे पैदा कर रही है। ये देखें जी गाइस, यहाँ से आपको सारा एंट्री कराती हूँ। ये है जिम्मेदारों का घर है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है। और शहर में भी है ये घर। कितने कनाल में है ये जी? दो कनाल में, दो कनाल में है वो टोटल। सामने
सबूर खड़ा हुआ है ना, सामने सबूर खड़ा हुआ नहीं वो कादर है, कादर है, अच्छा कादर है, यहाँ से वो बैठा हुआ है नीम के नीचे। हाँ नीम के नीचे बैठा। ये जी जमींदार का घर है सारा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इनकी ज़मीनें हैं तकरीबन 3-4 मुरबे ज़मीन है इनकी, और मैं इनका मैं आपसे शेयर करूँ, ये बहुत अच्छे हमारे समझे रिलेटिव रिश्तेदारों में भी शुमार होते हैं, और करीबी रिश्तेदार भी हैं और जानने वाले भी हैं। तो आपको इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ पे आज आई थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ज़िम्मेदारों के घर कैसे होते हैं। और ये भैंसें भी खड़ी हुई, ये देखें हर सहूलत है यहाँ पे, खालिस दूध की भी सहूलत है। ये देखें ये खुद इन्होंने अपने लिए रखी हुई हैं भैंसें ये, और ये दो भैंसें भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मुर्गियाँ भी हैं वो देखें, ये मुर्गियों के घर बने हुए हैं। हमसे बेरी है और खरगोश, एक खरगोश भी है, खरगोश कहाँ है वो है अंदर। और यहाँ से देखें यहाँ से एंट्री सारे आपको यहाँ से ये देखें ये बतके कहाँ हैं, खरगोश ये देखें ये बतके, हाँ ये खरगोश हैं ये देखें बहुत से हैं, कहाँ गए खरगोश, अच्छा जी बकरे को खड़ा करो जरा, कितना प्यारा माशाल्लाह बकरा है, बकरी को खड़ा करो, मारते है खड़ा करो इसको, मारता है माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा बकरा है ये देखें जी, ये इन्होंने घर में पाला है, ये जिम्मेदार घराना है जी। ये तो, खरगोश देखें छोटे 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 से, ये देखें ये खरगोश है इनके घर, देखें जी ये देखें जी इनके घर है वो। कहाँ है मुर्गे, मुर्गे बाहर है, अंडे ये मुर्गा माशाल्लाह कितना प्यारा है, ये हमारा मुर्गा है। हाँ जी ये सब मुर्गे खरगोश, खरगोश देखे हाँ खरगोश देखे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखे दीदी अंदर घुसे अंदर घर बने हुए हैं खरगोश है। हाँ जी गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये देखें बकरा बहुत माशाल्लाह प्यारा है, घर में पाला है ना ये बकरा। हाँ जी तो अभी ये इन्होंने तंदूर लगाना है, तंदूर कहाँ पड़ा, तंदूर वहाँ पे पड़ा। हाँ ये दिखा इसको सर दिखाओ, ये घर खोलो इसको, ये अभी लगा, ये देखें जी ये तंदूर लगाना है इन्होंने, ये देख ये देख माशाल्लाह मुर्गी के खुद वहाँ कहाँ पे वो खारे के नीचे वो जिसे देख रहे हैं, आ जा नहीं इधर से नहीं मिला, ये जी मुर्गी के बच्चे दिखाते हैं आपको, ये देखो ये है इसके अंदर छोटे 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 से है ना, नजर नहीं आ रहा है, छोटे छोटे से है ना ये जी, यहाँ पे तंदूर लगाना है, और ये नीम है बहुत बड़ी नीम है ये लगी, तो मैंने यहाँ से भी आपकी एंट्री दिखा देती हूँ पूरे घर की, माशाल्लाह बहुत प्यारा घर बना हुआ है, जिम्मेदार घर घराना है ये, और ये देखें जी। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, तो अब मैं ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ, तो मैं इजाज़त मांगती हूँ, हो खिलाफ है, ये देखें ये आपको सारी एंट्री करा रही हूँ यहाँ से सारा, ये जी ज़िम्मेदार घराना है और शहर में ही है, लेकिन इन्होंने का माहौल देहात जैसा बना हुआ है, जैसे ये देखें सारा। तो आपको ये कैसा लगा हमारा ब्लॉग, तो ज़रूर बताइएगा, हो खिलाफ है।